नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव। किन विशेष मंत्रों से भगवान शिव के साक्षात दर्शन की इच्छा मनोकामना पूरी हो सकती है, इस उपाय को, इस एपिसोड को, इस मंत्रों के श्रृंखला को बताने की आज जरूरत इसलिए पड़ी कि अक्सर बहुत सारे शिव भक्त होते हैं जो हमसे ये कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र साधना बताइए, कुछ ऐसा मंत्र प्रयोग बताइए जिससे भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हमें हो सके। तो आज उसी क्रम में आपको कुछ अलग अलग मंत्रों का प्रयोग बता रहा हूँ जिससे आपको भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा मिलेगी, साक्षात दर्शन हो सकेंगे। और ये दर्शन वगैरह आपकी अपनी साधना पर निर्भर करता है कि आप, मंत्र तो मैं बता दूंगा, आप उस मंत्र को कितनी लगन से, कितनी निष्ठा से, कितनी इच्छा से, कितनी तत्परता से, कितनी शुद्धता और पवित्रता के साथ उसका जाप करते हैं, ये काफ़ी हद तक उस पर निर्भर करता है कि आपको भोलेनाथ दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं, आपके भाव कैसे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये अलग अलग मंत्र। देवों के देव भोले भंडारी भगवान आशुतोष केवल मात्र पानी का एक लोटा चढ़ाने से ही प्रसन्न होकर के मनचाहा वरदान दे देते हैं। यदि किसी विशेष कामना को लेकर के उनकी आराधना की जाए तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं है जो सौभाग्य में न बदल सके। जरूरत है तो केवल सच्ची श्रद्धा और लगन से उनको मनाने की। यूं तो शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके भी भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु इसमें समय अधिक लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का 5,00,000 बार जाप करने से भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हो सकते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी तंत्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें केवल कर लेने से अत्यंत सरल तरीके से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी सच्चे साधक के लिए। इन्हीं में से एक उपाय है लघु महामृत्युंजय मंत्र का। महामृत्युंजय मंत्र का ही संक्षिप्त रूप है लघु महामृत्युंजय मंत्र, परंतु यह शक्ति तथा प्रभाव में किसी तरीके से मूल मंत्र से कम नहीं है। केवल 3 अक्षर वाले लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह के जप से बड़ी बीमारी से भी मुक्ति पाई जा सकती है, और इसका प्रयोग रात 9 बजे के बाद अगर किया जाए तो इसका प्रभाव चमत्कारी रूप से बढ़ जाता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके निमित्त रात 9 बजे के बाद दूध मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। रोगी की स्थिति के अनुसार यह प्रयोग 7 दिन से लेकर के 41 दिन तक का हो सकता है। दूसरा उपाय है किसी शिव मंदिर में बैठ करके राम नाम के मंत्र का जाप करने का। रामायण में कहा गया है कि शिव को पूरे विश्व में यदि कुछ सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो है भगवान राम का नाम। यही कारण है कि शिव मंदिर में बैठ करके राम नाम का जाप करने वाले लोगों को भगवान शिव की कृपा अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, और ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ स्वप्न में या किसी भी माध्यम से, जैसा भी उनको माध्यम पसंद आए, वह दर्शन दे देते हैं। तीसरा उपाय है भगवान भैरव की उपासना और साधना करना। कलयुग में भगवान भैरव को जीवंत देवता माना गया है। किसी शमशान में बने मंदिर में पूजा करने से भगवान भैरव शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न होकर के आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति तो जरूर करते हैं, साथ ही साथ भगवान महादेव के दर्शन में भी वो माध्यम सिद्ध हो सकते हैं। कि हरियाली तीज पर आपको कौन से 6 उपाय करने चाहिए जिससे आपको मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है, आइए जानते हैं। श्रावण मास की हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा और व्रत के साथ यदि कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से माता पार्वती की पूजा आराधना करने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अखंड सौभाग्य और अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाएं और ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में बाधा आ रही है या जो अविवाहित हैं वो भी योग्य वर प्राप्ति के लिए, एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत भी करती हैं और पूजन करती हैं, और जो व्रत नहीं कर पाते वो भी पूजन तो कम से कम करते ही हैं। अगर तीज के व्रत की बात करें तो ये व्रत जो है निर्जला रखना होता है, यानी बिना जल पान किए आपको इस व्रत को करना होता है। इस दिन माता पार्वती को सुहाग और श्रृंगार की चीजें समर्पित करके महिलाएं भगवान शंकर की तरह अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। सावन मास में इस त्योहार के पड़ने पर इस पे भगवान शिव के साथ अन्य देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए हरियाली तीज के दिन कुछ खास उपाय यदि आप करते हैं तो इस उपाय को अगर आप करें तो किसी
किसी भी मनुष्य को मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है अगर पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को किया जाए। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 6 उपाय हैं जिनको करके किसी भी जातक का जीवन धन्य हो सकता है, चाहे वो स्त्री हो, महिला हो, कन्या हो या कोई पुरुष हो। यदि दाम्पत्य सुख में कमी हो या आपसी मेल मिलाप में, पति पत्नी में कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ आपसी मनमुटाव रहता हो, वाद विवाद रहता हो, तो हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाना चाहिए और इसके बाद इस प्रसाद को पति पत्नी दोनों मिलकर के ग्रहण करें, दोनों मिलकर के खाएं। इससे वैवाहिक जीवन में आ रहे दुख और कष्ट जो है उनसे आपको मुक्ति मिलती है। हरियाली तीज के दिन सुख और सौभाग्य के लिए पति पत्नी को दोनों मिलकर के, दोनों को सुबह के समय शिव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करनी चाहिए और भगवान को लाल फूल अर्पित करके अपने वैवाहिक जीवन में सुख की कामना अवश्य करनी चाहिए। यदि पति या पत्नी में प्रेम ना हो या क्लेश बहुत ज्यादा रहता हो, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हो, तो हरियाली तीज पर दंपति को देवी पार्वती का अभिषेक केसर युक्त दूध से करना चाहिए। इसे पति पत्नी में प्रेम भाव इस उपाय को करने से उत्पन्न होता है। हरियाली तीज के दिन किसी गरीब कन्या को भोजन खिलाएं और दक्षिणा देने से अमोघ पुण्य लाभ मिलता है। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। यदि ससुराल में किसी कन्या को, किसी महिला को प्रेम ना मिल रहा हो, जो सम्मान उसको मिलना चाहिए परिवार की बहू को वो ना मिल पा रहा हो, तो पूजा के बाद जब सास के पैर छू करके उन्हें सुहाग की थाली आप भेंट करें तो उसमें से या कोई चीज आप मांग करके उनसे आशीर्वाद के स्वरूप, प्रसाद के स्वरूप आप ले ले। और अगर आपको मांगने में हिचक लगती है तो पहले कोई चीज निकाल करके अलग जो है आप उसको अपने पास रख लीजिए, फिर उस चीज को देवी के चरणों में ले जाकर के वापस आप उनको समर्पित कर दीजिए, उनके चरणों में दोबारा रख दीजिए। इस उपाय को करने से आपके प्रति ससुराल के लोगों में प्रेम बढ़ेगा, आपके प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा कि परिवार की महिला है, परिवार की बहू है, इसको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो दिया जाने लगता है। इस उपाय को, इस टोटके को करने से ये प्रतिफल मिलता है। हरियाली तीज के दिन सुहाग का बहुत विशेष महत्व होता है, सुहाग के लिए बहुत विशेष तिथि मानी जाती है। हरियाली तीज की पूजा के बाद हल्दी लगी हुई रोटी को जो है अगर गुड़ के साथ आप किसी गाय को खिला दें तो इससे आपके घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है, आर्थिक विपन्नता कभी नहीं आती, यानी आर्थिक कमी तंगी नहीं आती और साथ ही साथ पति पत्नी का प्रेम भी, दाम्पत्य सुख भी बना रहता है। हरियाली तीज पर अगर ये उपाय पति पत्नी के बीच अगर कोई करता है तो पति पत्नी के बीच में अगर मनमुटाव की स्थिति है उससे तो मुक्ति मिलती है। पूरे परिवार में सुख और शांति को स्थापित करने वाले ये उपाय हैं और बहुत सरल उपाय हैं। इसमें से ऐसा कोई उपाय नहीं है जो कोई व्यक्ति, कोई महिला न कर सकती हो, क्योंकि इसमें जो उपाय मैंने बताए हैं वो पारंपरिक रूप से पूजा के ही उपाय हैं, तो उसमें वो पूजा तो कोई भी करेगा ही करेगा। तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन में आ रहे दाम्पत्य जो तनाव की स्थिति है उससे मुक्ति पा सकते हैं और आप दाम्पत्य सुख में वृद्धि कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको कालसर्प दोष के अचूक और अकाट्य उपाय बताने जा रहा हूं। इनको बहुत ध्यान से सुनिए, किस तरीके का कालसर्प आपकी कुंडली में है उसका निवारण आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कालसर्प दोष का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में ये दोष होता है उन्हें अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कालसर्प दोष मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं। इसका निर्धारण जन्म कुंडली को देख करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक कालसर्प दोष के निवारण के लिए कुछ अलग अलग उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अपने ज्योतिषी से बात करके कि कौन सा योग आपकी कुंडली में बन रहा है उसका आप निवारण कर सकते हैं। सबसे पहला जो कालसर्प का प्रकार है वह है अनंत कालसर्प दोष। अनंत कालसर्प दोष होने पर श्राद्ध पक्ष में 1 मुखी, 8 मुखी या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना होता है तो अगर आपको 9 मुखी ना मिले तो आप 1 मुखी और 8 मुखी पहन सकते हैं, और अगर 9 मुखी मिल जाता है तो फिर 1 9 मुखी पहन करके भी आपका काम हो जाता है। यदि इस दोष के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो श्राद्ध पक्ष के दौरान रांगे की एक से बने हुए एक सिक्के को जल में प्रवाहित करने से आपको रोगों में बहुत चमत्कारी रूप से लाभ अनुभव होने लगता है।
दूसरा कालसर्प दोष का प्रकार है कुलिक कालसर्प दोष। कुलिक नाम के कालसर्प दोष होने पर श्राद्ध पक्ष में दो रंग वाला कंबल या गर्म वस्त्र आपको दान करना चाहिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को। दूसरा उपाय यह कि चांदी की एक ठोस गोली बनवा करके उसकी पूजा करें और उसको अपने पास आपको सदैव रखना चाहिए। तीसरा कालसर्प का प्रकार है वासुकी कालसर्प दोष। वासुकी कालसर्प दोष होने पर रात्रि को सोते समय सिराने के पास थोड़ा सा बाजरा रखना चाहिए और सुबह उठ करके उसे पक्षियों को खिला देना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष के यानी पितृ पक्ष के दौरान किसी भी दिन लाल धागे में 3, 8 या फिर 1 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। एक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, 1 8 मुखी करना है, या अगर आप 2 अलग अलग रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहते, सिर्फ एक पहनना चाहते हैं, तो सिंपली 9 मुखी रुद्राक्ष एक दाना आप धारण कर लेंगे तो आपको उससे लाभ मिल जाएगा। जो चौथा प्रकार है कालसर्प दोष का, वह है शंखपाल कालसर्प दोष। शंखपाल कालसर्प दोष होने पर पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन 400 ग्राम साबुत बादाम जल में आप प्रवाहित कर दें, बहते जल में बहा दें तो भी फायदा मिलता है। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए और ये सारे उपाय आप पितृपक्ष में करने के साथ साथ नाग पंचमी की तिथि जो है वो कालसर्प दोष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कालसर्प दोष के निवारण के लिए नाग पंचमी और पितृपक्ष दोनों बहुत महत्वपूर्ण समय है, तो नाग पंचमी में भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा प्रकार है कालसर्प दोष का, पद्म कालसर्प दोष। पद्म कालसर्प दोष होने पर नाग पंचमी में या श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन से प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक लगातार रोज सरस्वती चालीसा का जातक को जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पाठ करना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र का दान करना चाहिए और तुलसी का पौधा लगा करके उसकी सेवा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में मिलने लगता है। इसके बाद छठा जो प्रकार है वो है महापद्म काल सर्प दोष। महापद्म काल सर्प दोष के निदान के लिए हनुमान मंदिर जाकर के नियम से सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। ये उपाय आप नाग पंचमी से भी आरंभ कर सकते हैं और पितृ पक्ष में किसी भी तिथि से इसको आप शुरू कर सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष के दौरान गरीब और असहाय लोगों को भोजन करवा करके कुछ दान दक्षिणा उनको जरूर देना चाहिए। अगर ये नियम आप लगातार कुछ दिन तक करते हैं, 40-45 दिन तक ये दोनों उपाय, तो आपको बहुत चमत्कारी लाभ इसका देखने को मिलता है। इसी तरीके से सातवां प्रकार है तक्षक काल सर्प दोष का। तक्षक काल सर्प दोष के निवारण के लिए 11 नारियल जलते बहते हुए जल में चलते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें और सफेद वस्त्र और चावल का दान किसी ब्राह्मण को करें तो आपको फायदा अवश्य मिलता है। यह उपाय आप नागपंचमी में या पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं। आठवां उपाय है कर्कोटक काल सर्प दोष। ये एक प्रकार होता है काल सर्प दोष का, कर्कोटक काल सर्प दोष इसे कहते हैं। कर्कोटक काल सर्प दोष कुंडली में होने पर भगवान बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। उनके मंदिर में जाकर के उन्हें दही और गुड़ का भोग लगा करके आप उनकी पूजा आराधना करें। शीशे के 8 टुकड़े जल में आप प्रवाहित करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। नौवां प्रकार है शंखचूड काल सर्प दोष। शंखचूड काल सर्प दोष की शांति के लिए नाग पंचमी की तिथि में या श्राद्ध पक्ष के किसी भी दिन में रात को सोने से पहले सिराने के पास जौ रखें और अगले दिन उसे पक्षियों को आपको खिला देना चाहिए। 5 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष के दोनों के 1-1 दाने या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष का 1 दाना आप धारण करेंगे तो आपको इससे शांति मिलती है। दसवां प्रकार है घातक काल सर्प दोष। घातक काल सर्प दोष के निवारण के लिए पीतल के बर्तन में गंगा जल भर करके अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए। 4 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष के 1-1 दाने आप दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष को हरे रंग के धागे में आप धारण करेंगे। ये उपाय आप नागपंचमी पर भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी कभी भी आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा अवश्य मिल जाता है। 11वां जो कालसर्प का प्रकार है वो है विषधर कालसर्प योग। विषधर कालसर्प के निदान के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या के बराबर, उदाहरण के रूप में परिवार में 5 सदस्य हैं, माता पिता और 2-3 भाई बहन हैं, तो 5 नारियल आपको लेना है। इसको लेकर के 1-1 नारियल पर उनका हाथ लगवा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करवा दीजिए। परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर विषधर कालसर्प योग होगा, उपाय आपको 5 परिवार के सभी सदस्यों के हिसाब से करना पड़ता है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के यथाशक्ति दान दक्षिणा देंगे तो आपको इससे फायदा अवश्य मिल जाएगा।
बारहवां काल सर्प दोष का प्रकार होता है शेषनाग काल सर्प दोष। शेषनाग काल सर्प दोष होने पर अंतिम श्राद्ध पक्ष की पूर्व रात्रि को लाल कपड़े में सौंफ बांध करके सिरहाने रखें और उसे अगले दिन सुबह आपको खा लेना चाहिए। यानी जो पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है उस रात को जो है आपको एक कपड़े में थोड़ा सा सौंफ सिरहाने रख के सोना है और अगले दिन उसे आपको स्वयं ग्रहण कर लेना है। और इसके साथ साथ दूध और जलेबी का दान गरीबों को या किसी ब्राह्मण को करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ये जो उपाय है ये भी आप इसको नागपंचमी की तिथि में भी कर सकते हैं, नागपंचमी की रात में भी कर सकते हैं और पितृपक्ष में भी इनको आप कर सकते हैं। चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे उपाय जिनसे महादेव शिव जो है बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन उपायों को करने के पीछे शर्त बस इतनी सी है कि इसको करते समय आपको किसी से इन उपायों को उजागर नहीं करना चाहिए, यानी किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम अपने कल्याण के लिए अपने फायदे के लिए ऐसा कोई उपाय कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और गुप्त रूप से इन उपायों को करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को यदि शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिंग स्वरूप की आपको पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से वे भक्त के सभी प्रकार के कष्ट और दुख जो है वो हर लेते हैं और जातक को मनचाहा फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक ऐसे उपाय हैं जो असर तो बहुत शीघ्र दिखाते हैं परंतु उन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जातक को साधक को। भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनके द्वारा महादेव शिव को प्रसन्न करके आप उनसे मनचाहे फल की प्राप्ति करा सकते हैं। इन उपायों को करने में कोई खर्चा तो नहीं आता। यदि इन उपायों को सावन के महीने में किया जाए तो ये उपाय और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और भक्तों को कई गुना फल की प्राप्ति इन उपायों से होती है। तो पहला उपाय यह कि महादेव को जब भी आप जलाभिषेक कराएं तो उस दौरान शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से अच्छी तरीके से रगड़ करके आप उनकी सेवा करें। यह उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है, महादेव आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के आपका कल्याण कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह कि यदि आपके पास वाहन नहीं है, गाड़ी नहीं है और आप कोई अच्छा सा वाहन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चमेली का पुष्प चढ़ाना चाहिए तथा भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार लगातार आप जाप करें तो शीघ्र ही आपको वाहन प्राप्ति का योग बन जाएगा, वाहन सुख आपको भी प्राप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि यदि आपको किसी सुनसान जगह पर भगवान शिव का मंदिर दिखता है तो वहां एक दीपक जला करके आपको अवश्य आना चाहिए तथा इसके पश्चात किसी मनोकामना की प्रार्थना आपको जो भी आपकी मनोकामना हो वह भगवान शिव के सामने निवेदित करनी चाहिए। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी ही महादेव पूरी करेंगे। चौथा उपाय यह कि बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय या फिर राम नाम लिख करके इन पत्तों की माला बना करके भगवान शिव को आप समर्पित करें या ये पत्ते आप सिर्फ ऐसे ही भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर दें। आपको इस उपाय को करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पत्ते कहीं से भी कटे फटे बिल्कुल भी ना हो। पांचवा उपाय यह है कि एक तांबे का पात्र अथवा लोटा ले लीजिए और उसमें कच्चे दूध और थोड़ा सा शक्कर मिला करके भगवान शिव के ऊपर आपको ये समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त होता है। छठा उपाय यह है कि अगर बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और दवाइयां लेने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है तो जल में दूध तथा काले तिल मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाने से हर प्रकार के रोग और बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आपको करते रहना चाहिए। सातवां उपाय यह है कि केसर मिश्रित जल से शिवलिंग का अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो विवाह तथा वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चन और बाधा जो है उससे जुड़ी हुई दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उसमें आपको तत्काल प्रभाव से चमत्कारी रूप से लाभ दिखता है। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो भी विवाह की बाधा दूर होगी और अगर शादी हो गई है पति पत्नी के बीच में जम नहीं रही, बन नहीं रही, आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा तो भी केसर मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत चमत्कारी लाभ मिलता है। गृहस्थ जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के विघ्न व्यवधान जो हैं इस उपाय को करने से तत्काल ही दूर होने लग जाते हैं।
आठवां उपाय ये कि अगर कुंडली में शनि का दोष है तो किसी भी प्रकार से अगर शनिदेव की पीड़ा आपको मिल रही है तो शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर के दूध या फिर काले तिल मिश्रित जल चढ़ाएं, इससे आपको शनि के दोषों में तत्काल प्रभाव से राहत मिलने लग जाती है। नौवां उपाय यह है कि लंबी उम्र के लिए, एक अच्छी आयु के लिए शिवलिंग पर दूध समर्पित करना चाहिए, इससे भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा जातक को प्राप्त होती है। दसवां उपाय यह है कि नियमित रूप से आंकड़े के फूल की माला बना करके शिवलिंग पर आप समर्पित करें, इससे हर प्रकार की मनोकामनाएं, सभी मनोरथ जो है महादेव पूरे करते हैं। ग्यारहवां उपाय यह है कि पके हुए चावलों से शिवलिंग का श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, इससे कुंडली का मंगल दोष दूर होता है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में मंगलनाथ की पूजा में भात पूजा बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भात पूजा का नियम वहाँ पर किया जाता है। इसी तरीके से पके हुए चावल होते हैं, उससे शिवलिंग को जो है सजाया जाता है, ये चावल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए जाते हैं। बारहवां उपाय यह कि घर में स्थाई लक्ष्मी के निवास के लिए शिवलिंग पर चावल चढ़ाने चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए सभी चावल अखंडित हो यानी टूटे हुए वो ना हो, इससे शिवजी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी जातक को प्राप्त होती है। तेरहवां उपाय यह कि भगवान भोलेनाथ के नियमित रूप से 1.25 किलो या 1.25 किलो या फिर 11 किलो या 21 किलो गेहूं या चावल का दान आपको करना चाहिए, इससे अचानक आए कष्टों का निवारण हो जाता है और समस्त प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। चौदहवां उपाय यह कि शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाने से घर और संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर रहती हैं, ये उपाय संतान के सभी कार्यों में भी आपको सफलता दिलवाती है। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि महामृत्युंजय मंत्र में छिपा है हर समस्या का हल। किस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र से आप किसी भी विशेष समस्या का निदान कर सकते हैं, आइए समझ लीजिए। बहुत टेक्निकल, बहुत ही सूझबूझ वाला मामला, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही उसका जाप करके लाभ नहीं ले सकता, उसके कुछ अनुष्ठान के कुछ खास नियम है, उसको समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। शिव पूजन में कई तरह के मंत्रों का जाप और प्रयोग किया जाता है और कार्य सिद्धि के लिए इन मंत्रों की संख्या भी अलग अलग होती है, लेकिन शिव शंभु को उनका एक मंत्र बहुत प्रिय है। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से मनुष्य मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संख्याओं में महामृत्युंजय मंत्र के जाप का विधान बताया गया है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस समस्या के लिए महामृत्युंजय मंत्र की कितनी संख्या का जाप जातक को करना चाहिए, तब आपको फायदा मिलेगा। भय से मुक्ति पाने के लिए, भय से छुटकारा पाने के लिए 1100 मंत्रों का जाप करने का नियम शास्त्रों में बताया गया, तो आपको एक पक्ष के अंदर 1100 मंत्रों के जाप का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप भय से पीड़ित हैं, अनजाना भय रहता है, तो जो हमारे हिंदू धर्म में दो पक्ष होते हैं एक महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जाप का नियम यह है कि आप जिस पक्ष में जाप शुरू करेंगे उसी पक्ष में उसको समाप्त करेंगे। तो अगर आपको भय से मुक्ति पानी है तो 1100 मंत्रों का संकल्प करिए और किसी विशेष मुहूर्त में उसको आरंभ करके उसी पक्ष के अंदर अंदर उसको आप समाप्त करिए, ये इस अनुष्ठान का नियम होना चाहिए। और फिर भी आपका कार्य सिद्ध नहीं होता तो अगले पक्ष में या जब भी आपको इच्छा करे आप दोबारा उतनी ही मंत्र संख्या का संकल्प करिए जितना हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसी तरीके से रोगों की मुक्ति के लिए 11000 मंत्रों का जाप किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए या अपने व्यापार व्यवसाय में जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में महामृत्युंजय मंत्र के जाप का नियम शास्त्रों में बताया गया है। यदि साधक जो है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना करता है तो वांछित फल की प्राप्ति जो है वह अवश्य रहती है, उसकी संभावना प्रबल बनी रहती है। और महामृत्युंजय मंत्र सभी जानते हैं, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् बंधनान मृत्यु और मुक्षीय मामृतात्, इसी मंत्र का जाप और प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति घर पर कैसे किसी भी शुभ तिथि में महादेव का पूजन अर्चन कर सकता है। भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन की सबसे सरलतम विधि मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, और ये पूरे साल भर में जो भी भगवान शिव की विशेष तिथियां पड़ती हैं, किसी भी तिथि में, किसी भी एक तिथि का मैं नाम नहीं ले रहा, किसी भी शिव जी की विशेष तिथि में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस माध्यम से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आप करके लाभ ले सकते हैं।
यदि आप रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तब नवग्रह कलश की स्थापना, षोडश मातृका का पूजन भी आपको करना चाहिए। संकल्प करते हुए भगवान गणेश और माता पार्वती का पूजन करें, फिर नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय, और स्त्रियां कार्तिकेय का पूजन नहीं करती हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा, और सर्प का संक्षिप्त पूजन आपको सर्प देवता का भी, नाग देवता का भी साथ में करना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में बिल्व पत्र और अक्षत लेकर के भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही से स्नान, घी से स्नान, शहद से स्नान और शक्कर से स्नान आप भोलेनाथ को कराएं। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान फिर से आप कराएं, फिर सुगंध स्नान कराएं और शुद्धोदक स्नान उसके बाद आप जरूर कराएं। अब भगवान शिव को आप वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद आप जनेऊ उनको समर्पित करें, फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला, बिलपत्र इत्यादि आपको फूल वगैरह जो है, माला वगैरह आपको समर्पित करना चाहिए। अब भगवान शिव को विविध प्रकार के फलों का भोग लगाएं। इसके पश्चात धूप और दीप जला करके आप उनकी आरती करें, धूप दीप उनको दिखाएं और हाथ धो करके भोलेनाथ को, महादेव को नैवेद्य का भोग आपको लगाना चाहिए, यानी मिठाइयों का, मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य के बाद फल, पान, सुपारी जिसको मुख शुद्धि कहते हैं, तांबूल पत्रम जिसे कहा जाता है, पान का पत्ता, उसके साथ नारियल, दक्षिणा आदि आपको चढ़ा करके आरती करना चाहिए। इसके बाद आपको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्षमा याचना में ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैंने पहले भी बताया है, आह्वानम न जानामि, न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वर। इस मंत्र को आपको एक बार बोल करके भगवान से पूरी पूजा में हुई कोई भी भूल चूक हो, कोई भी कमी रह गई हो, उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं महादेव का आपको रुद्राभिषेक सोमवार को कैसे करना चाहिए, जिससे आपको आपकी पूजा आराधना का, आपकी साधना का ज्यादा से ज्यादा बेहतर जो है लाभ मिल सके, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो सके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक शक्कर मिले हुए दूध से आपको करना चाहिए। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से तनाव दूर होता है, स्ट्रेस से आपको, डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ बुद्धि प्रखर होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो लोग मंद बुद्धि होते हैं या जिनके सोचने समझने की प्रक्रिया थोड़ी सी कुंठित हो जाती है, कम हो जाती है, दिमाग जिनका थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, उनके लिए ये उपाय बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी ये उपाय जरूरी है जो अपने सही रास्ते से, जो अपने एक नैतिकता के मार्ग से भटक गए हैं। बहुत सारे कपल्स हमारे पास आते हैं, पत्नियां कहती हैं कि हमारे पति जो है गलत रास्ते पर चले गए हैं, उनको जुए की लत, नशे की लत या पर स्त्रीगामी हो गए हैं, तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए भी इसी उपाय का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि शुद्धि का ये उपाय होता है, बुद्धि शुद्धि का ये टोटका कहा जा सकता है, प्रयोग कहा जा सकता है, शक्कर मिले हुए कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना। इस उपाय को करने वाला जातक जो है वह ज्ञानी भी बनता है, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और जातक हर क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति तरक्की इस उपाय को करने के बाद करता चला जाता है। तो अगर आपके जीवन में इस तरीके की कोई समस्या है या आपके परिजन के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ ऐसी समस्या चल रही है जिससे आप भावनात्मक स्तर पर बहुत जुड़े हुए हैं, जिसका आप कल्याण चाहते हैं, तो ये उपाय करके आप लाभ अवश्य ले सकते हैं। तो दोस्त करते हैं आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अकारण भयनाश के लिए महादेव को आपको किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। महादेव का एक ऐसा टोटका बताऊंगा जिसको प्रयोग करने से अकारण जो भय, एक अनजाना भय जो अंदर से, डर जो बना रहता है, उससे आपको तुरंत मुक्ति मिल जाती है। क्या है ये पूरा उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर किसी के मन में अकारण, बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण से एक अनजाना भय बना रहता है, हर समय डर लगा रहता है कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव के शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और इसके प्रभाव से व्यक्ति के मन में व्याप्त हर प्रकार के भय जो होते हैं, जो अनजाना भय आपके मन में बैठा होता है, उससे भी आपको चमत्कारी रूप से मुक्ति मिलती है।
तो खासतौर पर सोमवार के दिन और जब सावन का सोमवार चल रहा हो तो उससे आप इस उपाय को आरंभ कर सकते हैं। शिव रक्षा स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करें शिव मंदिर में जा करके, और उत्तर मुख बैठ करके, उत्तराभिमुख बैठ करके आपको शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य मिलता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और जो एक अनजाना डर है वो भी आपका नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भोलेनाथ का एक ऐसा उपाय जो मजबूत करता है कुंडली में अशुभ चंद्रमा को। क्या है ये उपाय, आइए समझ लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें सोमवार के दिन चंद्रदेव के चंद्रशेखर स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इसके अलावा सोमवार के दिन रामायण के अयोध्या कांड का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। या फिर शिवलिंग पर सोमवार के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना भी चंद्रमा के दोष को दूर करता है। इन उपायों से चंद्रमा के दोषों में कमी आती है, अशुभ चंद्रमा का योग समाप्त होकर के चंद्रमा शुभ होता है, यानी चंद्रमा मजबूत होता है और आमदनी में वृद्धि होती है। मन से आप संतुष्ट और खुश रहने लगते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो अगर चंद्रमा अशुद्ध होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, अशुभ होगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मन से बहुत कमजोर, बहुत दुखी, बहुत अशांत रहता है, बहुत डरा हुआ रहता है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता व्यक्ति। तो जब आप चंद्रमा का दोष ठीक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको अपने को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने बिजनेस में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कार्य क्षेत्र में आपको फील होता चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन विशेष मंत्रों से भगवान शिव के साक्षात दर्शन की इच्छा, मनोकामना पूरी हो सकती है। इस उपाय को, इस एपिसोड को, इस मंत्रों के श्रृंखला को बताने की आज जरूरत इसलिए पड़ी कि अक्सर बहुत सारे शिव भक्त होते हैं जो हमसे ये कहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र साधना बताइए, कुछ ऐसा मंत्र प्रयोग बताइए जिससे भगवान आशुतोष, भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हमें हो सके। तो आज उसी क्रम में आपको कुछ अलग अलग मंत्रों का प्रयोग बता रहा हूं जिससे आपको भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा मिलेगी, साक्षात दर्शन हो सकेंगे। और ये दर्शन वगैरह आपकी अपनी साधना पर निर्भर करता है कि आप, मंत्र तो मैं बता दूंगा, आप उस मंत्र को कितनी लगन से, कितनी निष्ठा से, कितनी इच्छा से, कितनी तत्परता से, कितनी शुद्धता और पवित्रता के साथ उसका जाप करते हैं, ये काफी हद तक उस पर निर्भर करता है कि आपको भोलेनाथ दर्शन देते हैं या नहीं देते हैं, आपके भाव कैसे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये अलग अलग मंत्र। देवों के देव भोले भंडारी भगवान आशुतोष केवल मात्र पानी का एक लोटा चढ़ाने से ही प्रसन्न होकर के मनचाहा वरदान दे देते हैं। यदि किसी विशेष कामना को लेकर के उनकी आराधना की जाए तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं है जो सौभाग्य में न बदल सके। जरूरत है तो केवल सच्ची श्रद्धा और लगन से उनको मनाने की। यूं तो शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके भी भगवान भोले भंडारी को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु इसमें समय अधिक लग सकता है। शास्त्रों के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का 5,00,000 बार जाप करने से भगवान शंकर के साक्षात दर्शन हो सकते हैं और मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी तंत्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें केवल कर लेने से अत्यंत सरल तरीके से भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी सच्चे साधक के लिए। इन्हीं में से एक उपाय है लघु महामृत्युंजय मंत्र का। महामृत्युंजय मंत्र का ही संक्षिप्त रूप है लघु महामृत्युंजय मंत्र, परंतु यह शक्ति तथा प्रभाव में किसी तरीके से मूल मंत्र से कम नहीं है। केवल 3 अक्षर वाले लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह के जब से बड़ी बीमारी से भी मुक्ति पाई जा सकती है, और इसका प्रयोग रात 9 बजे के बाद अगर किया जाए तो इसका प्रभाव चमत्कारी रूप से बढ़ जाता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके निमित्त रात 9 बजे के बाद दूध मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। रोगी की स्थिति के अनुसार यह प्रयोग 7 दिन से लेकर के 41 दिन तक का हो सकता है। दूसरा उपाय है किसी शिव मंदिर में बैठ करके राम नाम के मंत्र का जाप करने का। रामायण में कहा गया है कि शिव को पूरे विश्व में यदि कुछ सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो है भगवान राम का नाम। यही कारण है कि शिव मंदिर में बैठ करके राम नाम का जाप करने वाले लोगों को भगवान शिव की कृपा अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, और ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ स्वप्न में या किसी भी माध्यम से, जैसा भी उनको माध्यम पसंद आए, वह दर्शन दे देते हैं।
तीसरा उपाय है भगवान भैरव की उपासना और साधना करना। कलयुग में भगवान भैरव को जीवंत देवता माना गया है। किसी शमशान में बने मंदिर में पूजा करने से भगवान भैरव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति तो जरूर करते हैं, साथ ही साथ भगवान महादेव के दर्शन में भी वो माध्यम सिद्ध करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तरीके की पूजा से पहले, चाहे आपकी रोज की अपनी नियमित दिनचर्या की पूजा हो, आपके अपने घर की या कोई विशेष अनुष्ठान आप कर रहे हो, किसी भी तरीके की पूजा से पहले किन सात खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये शास्त्र से जुड़ी हुई बातें हैं, जिनके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। क्या है ये बात, क्या है ये नियम, आइए समझ लेते हैं। एक घर में कम से कम 5 देवी देवताओं की पूजा अवश्य होनी चाहिए, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। ये पंचदेव कौन कौन है? भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, सूर्य देवता और माता दुर्गा। इन 5 देवी देवताओं की पूजा आराधना किसी भी घर में, हिंदू सनातनी परिवार में अवश्य होनी चाहिए। इसके बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। किसी भी देवी या देवता की पूजा के प्रति संकल्प, एकाग्रता, श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक होता है। हम सभी के घर में भगवान का मंदिर तो होता है, लेकिन अज्ञानतावश हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। इसी कारण से कुछ खास नियम आज आपको मैं पूजा के बताने जा रहा हूं, जिनका ध्यान हर घर में, हर परिवार में, हिंदू सनातनी परिवार में जरूर रखा जाना चाहिए। किसी भी एक घर में कम से कम 5 देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 2 देवी दुर्गा की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से अशांति की प्राप्ति होती है। ऐसे में घर का जो है माहौल खराब होता है। अगर आप गोमती चक्र किसी विशेष टोटके के लिए, जो हम लोग बताते हैं, वो आप रख रहे हैं, तो उसको पूजा स्थान में न रख के अलग अगर तिजोरी वगैरह में रखेंगे, जिसकी पूजा नहीं होती होगी, तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। देवी दुर्गा की 1, सूर्य की 7, भगवान गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और भगवान शिव की आधी परिक्रमा की जानी चाहिए। तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और तुलसी की मंजरी सभी फूलों से बढ़कर के शास्त्रों में मानी गई है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रुद्राभिषेक सही मायनों में क्या होता है, हमारे शास्त्रों में रुद्राभिषेक का क्यों इतना महत्व बताया गया, रुद्राभिषेक क्यों करते हैं और रुद्राभिषेक करने के लाभ क्या हैं। इस विषय में आज हम लोग जानकारी करेंगे कि रुद्राभिषेक होता क्या है। एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके मुंह से रुद्राभिषेक के बारे में बहुत सुना है, रुद्राभिषेक होता क्या है। बहुत सारे लोगों का आज तक सौभाग्य ही नहीं बन पाया रुद्राभिषेक के दर्शन करने का, करने की, स्वयं से आचार्यों द्वारा करने की तो बात बहुत अलग है, दर्शन तक का भी उनको आज तक सौभाग्य नहीं मिला। तो उनकी अनभिज्ञता रही है, उनकी ये जानकारी में नहीं रहा कि किस तरीके से अनुष्ठान करते हैं। तो इस अनुष्ठान का पूरा क्या महत्व है, क्या जानकारी है, और आने वाले कुछ एपिसोड्स में आपको बताऊंगा कि अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग पदार्थों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने का लाभ क्या होता है और बहुत सरल तरीके से उसकी विधि क्या है, इस बारे में भी हम लोग हर एपिसोड में चर्चा करेंगे। रुद्राभिषेक अर्थात रुद्र का अभिषेक करना, यानी कि शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया जाना, यानी जल की धारा दिया जाना या किसी भी द्रव के पदार्थ की धारा दी जाना। जैसा कि वेदों में वर्णित है, शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुदम दुखम द्रावयति नाश्यति रुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों का नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। रुद्राभिषेक करना शिव आराधना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम, सर्वश्रेष्ठ तरीका माना गया है। रुद्र शिव जी का ही एक स्वरूप है। रुद्राभिषेक मंत्रों का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी किया गया है। शास्त्र और वेदों में वर्णित है कि शिव जी का अभिषेक करना परम कल्याणकारी है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हम पटक से पातक तक कर्म भी, हमारे जो पटक से लेकर के पातक तक के कर्म है, वो भी जल करके नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है।
रुद्र हृदयोपनिषद में शिव जी के बारे में कहा गया है कि सर्व देवात्मको रुद्र सर्वे देवः शिवात्मकः, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है, कि आपकी कठिन से कठिन परेशानी को भी चुटकियों में दूर कर सकते हैं भगवान शिव के ये बहुत ही चमत्कारी बहुत ही प्रभावशाली टोटके। इनको बहुत ध्यान से सुनिए और शिव पूजा की किसी भी विशेष तिथि में किसी भी शुभ तिथि में पूरे साल में आप इनको करके लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय और टोटके। हमारे शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है और सावन का सोमवार विशेष महत्व रखता है क्योंकि सोमवार भगवान शिव का ही दिन माना जाता है। इसलिए यह शुभ योग आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय अगर किए जाएं तो जातक की बड़ी से बड़ी समस्या बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो क्या है ये उपाय समझ लीजिए। यदि किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो सोमवार को शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, जल्द ही विवाह के योग इससे बनने लगते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी योग है। ये उपाय आपको सोमवार को करना चाहिए, जरूरी नहीं है सावन में करें। सावन से आरंभ करके इसको आप अपने जीवन में नियम बना सकते हैं, पूरे साल करते रहेंगे तो आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी नहीं आएंगी। सोमवार को 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना हर प्रकार की इच्छा जो है वह पूरी हो जाती है। सोमवार को नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाइए, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और हर प्रकार के दुख कष्ट का परेशानियों का अंत सुपाय को करने से हो जाएगा। पांचवा उपाय यह कि गरीबों को भोजन कराना चाहिए, इससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी और पितरों की आत्मा को इससे बहुत शांति मिलती है। छठा उपाय यह कि पानी में काले तिल मिलाकर के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप इससे जलधारा दें, अभिषेक करें, इससे आपको हर प्रकार के मानसिक कष्टों से शांति मिलती है। घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करके रोज उसका नियम से अभिषेक और पूजन करना चाहिए, इससे आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। सुख ऐश्वर्य प्राप्ति का बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन किसी भी प्रकार के शिवलिंग की स्थापना उसी व्यक्ति को करनी चाहिए जिस परिवार में नियम से धर्म के साथ भगवान शिव की पूरी सेवा हो सके। ऐसा नहीं कि शौक शौक में एक बार आपने कर लिया सावन के महीने में और फिर पूरे साल आप उनको नहीं पूछते हैं, ऐसा करेंगे तो भगवान शिव का दोष आपको नाराजगी आपको झेलनी पड़ जाएगी। आठवां उपाय यह कि सोमवार को आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जो निसंतान दंपत्ति होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है और खासतौर पर जो पुत्र का योग चाहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए जो उपाय बार बार पूछते हैं उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जो बीज मंत्र है ओम होम जूम स ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ओम स्व भुव भू ओम स जूम होम ओम, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। कहने का मतलब ये है कि शिवलिंग महामृत्युंजय मंत्र का जो बीज मंत्र है उसको शुरू में और अंत में लगा करके आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और 101 बार जलाभिषेक आपको शिवलिंग पर करना चाहिए। इससे किसी भी तरीके की बीमारी जो होती है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, व्यक्ति को बीमारी से लाभ मिलने लग जाता है। सोमवार को भगवान शिव को तिल और जौ जरूर चढ़ाना चाहिए, तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुखों में वृद्धि होती है। दूसरा, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए खासतौर पर इन चतुर्मास में। पूर्णिमा के दिन स्त्री सहवास करना, महिला पुरुष का साथ रहना, पति पत्नी का आपस में संसर्ग करना तथा तिल का तेल खाना और लगाना, शरीर में तिल का तेल खाना और शरीर में उसकी मालिश करना ये निषिद्ध बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड में इसका वर्णन मिलता है, इससे किसी भी जातक को बचना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण।